हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, यह एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस है। जैसा कि आप सभी का बिहार स्टेट का रिजल्ट आ गया है, आप सभी देख लिए हैं, और जैसा कि TGT BPSC का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द होगा, आपके पास टाइम नहीं है। इस सब को देखते हुए मैं चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक का MCQ के माध्यम से एक्सप्लेनेशन करते हुए सभी टॉपिक को पूरा करने की कोशिश करूंगी। एग्जाम से पहले सभी चीज़ें पूरा हो जाएगा। आप मेरे साथ बस जुड़े रहिए, डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, किसी कारणवश मैं 2 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, इसके लिए सॉरी। एंड दोस्तों, यह केवल BPSC TGT के लिए ही नहीं है, जितने भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे अदर स्टेट को हो, चाहे आपके स्टेट के हो, TGT, PGT, KVS, NVS, UGC, NEET, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी लोग डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए। आपका सबसे पहले एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है BPSC का, जैसा कि आप देख रहे हैं 20 अक्टूबर से उसका फॉर्म भराना भी शुरू हो जाएगा, तो आपके पास टाइम नहीं है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थि की घनत्व इनमें अधिक होता है। अस्थि की घनत्व जो है, जो बोन डेंसिटी इज मोर इन देम, यानी कि जो बोन डेंसिटी, अस्थि का घनत्व होता है, किसमें अधिक होता है, तो पुरुष में ज्यादा होता है महिला की अपेक्षा। पुरुषों में अस्थि का घनत्व होता है 3.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड महिलाओं में अस्थि का घनत्व होता है 2.90 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरों में कौन सी हड्डी नहीं है, विच बोन इज नॉट देयर इन द फुट। तो यहां पे फीमर, टीबिया, फिबुला, ये तीनों के तीनों आपके फुट यानी पैर में पाया जाता है, जबकि कार्पल आपके कलाई में पाया जाता है। कलाई के बोन को कार्पल बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रीढ़ की हड्डी में कसे रुकाए हैं, द ह्यूमन स्पाइनल कार्ड कंटेंस वर्टिब्रा। तो कितने हैं, तो मानव रीढ़ की हड्डी में कसे रुकाए हैं, 33। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें कुल 33 हड्डियां होती हैं, जैसे कि हमारे सर्वाइकल यानी गर्दन में 7 होती हैं, वक्ष यानी थोरेसिक में 12 होती हैं, कटी यानी लंबर यानी कमर में 5 हड्डियां होती हैं, एंड सेक्रल में 5, अकॉक्सीजियल में 4 होती हैं। तो जो सेक्रल यानी लास्ट में जो पूछ जैसा होता है, सेक्रल और अकॉक्सीजियल, तो सेक्रल 5 होता है, वो वयस्क होने पर, बड़े होने पर 5 मिलकर 1 हो जाता है, और जो अकॉक्सीजियल होता है 4, वो 4 मिलकर 1 हो जाता है। इस प्रकार बड़े होने पर कुल 26 मेरुदंड की हड्डियाँ बचती हैं। कितना बचती है, 26। इस प्रकार जब पूछेगा कि मानव रीढ़ की कशेरुकाएं कितनी होती हैं, तो 33, अगर 26 ऑप्शन नहीं दिए रहेगा तो। अगर पूछेगा कि बच्चों में कितने कशेरुकाएं होते हैं रीढ़ में, तो 33। वयस्कों में कितने होते हैं रीढ़ में कशेरुकाएं, तो 33। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि किस स्थिति में वर्टिब्रल डिस्क पर सर्वाधिक दबाव पड़ेगा। तो इन विच सिचुएशन इज देयर मैक्सिमम प्रेशर ऑन द वर्टिब्रल डिस्क। तो किस स्थिति में, व्हाइल स्टैंडिंग, किस पे स्टैंडिंग नहीं दोस्तों, सीटिंग में, ठीक है, तो किस स्थिति में पड़ेगा, व्हाइल सीटिंग यानी कि बैठने पर,
बैठने पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ेगा हमारे वर्टिब्रल डिस्क पर। एंड नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर सीसमोइड हड्डियां पाई जाती हैं? सीसमोइड बोन आर फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। पहले आपको देखना है कि सीसमोइड बोन होता क्या है, जैसे कि आकार और आकृति के आधार पर हड्डियों को 5 भागों में बांटा गया है। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सीसमोइड बोन। लॉन्ग बोन जो लीवर का काम करता है, जो लंबी लंबी हस्थियां होती है जैसे कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, फीमर, टिबिया, फिबुला, जिसके बीच वाले जो खोखला भाग होता है लंबी अस्थियों में, जिसे हम हैवेसियन नाल कहते हैं, उसके अंदर अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो बनता है और जिससे रक्त का निर्माण होता है। एंड शॉर्ट बोन दूसरा होता है, शॉर्ट बोन जो है वह हमारे कलाई और टखने के हड्डियां जैसे कि कार्पस एंड टार्सस ज्वाइंट होते हैं। तीसरा होता है आपका फ्लैट बोन यानी चपटी अस्थियां, जैसे कि यह हमारे कपाल, पसलियां और स्केपुला में होती है जहां सुरक्षा की आवश्यकता होती है। चौथा होता है इरेगुलर बोन यानी अव्यवस्थित बेडोल, जैसे हमारे चेहरे की कुछ हड्डियां और हमारे रीढ़ की हड्डियां। और लास्ट होता है आपका पाँचवा सीसमोइड बोन, जो जोड़ों पर विकसित होती है, जो हमारा टेंडन यानी कंडरा होता है उसमें विकसित होने वाली, ये जोड़ों के आसपास गुजरने वाली होती है। जैसे कि सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा घुटना का पटेला हड्डी। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि निम्न में से किस पर सीसमोइड हड्डियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपका जोड़ों के आसपास कौन दिखाई दे रहा है? कलाई का पीसी फॉर्म एंड फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, बी एंड सी। एंड नेक्स्ट है, बौद्धिक क्षमता कॉर्टेक्स के किस भाग का कार्य क्षेत्र होता है? तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज द फंक्शनल एरिया ऑफ विच पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। जैसे कि दोस्तों हमारा जो ब्रेन है 3 भागों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एंड पश्चिम मस्तिष्क, जिसमें से अग्र मस्तिष्क के भी कई भाग हैं जैसे कि सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। इसमें जो प्रमस्तिष्क होता है वह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो सोचने, समझने, कल्पना करने, चिंतन करने के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए, बुद्धिमत्ता का केंद्र माना जाता है। जिसमें से प्रमस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स बाहरी भाग, मेडुला आंतरिक भाग। तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। जिसमें जो फ्रंटल भाग होता है वह क्या करता है? वह बौद्धिक क्षमता का केंद्र होता है। किसका केंद्र होता है? बौद्धिक क्षमता का। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, फ्रंटल भाग। अब फ्रंटल लोब जो है ये ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर भी नियंत्रण करता है। अब फ्रंटल लोब के दोस्तों कई सारे भाग हैं, इसमें से फ्रंटल लोब ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है, एम्पिराइटल लोब स्पर्श दाब का अनुभव करता है, ऑसिपिटल लोब जो है देखने की क्षमता में सामंजस्य स्थापित करता है, एंड टेम्पोरल लोब जो है श्रवण संवेदनाओं को ग्रहण करता है। जो फ्रंटल लोब है दोस्तों उसके भी 4 भाग हैं, प्रीमोटर क्षेत्र, ब्रोका क्षेत्र और भाषा क्षेत्र।
जो मोटर क्षेत्र होता है वो ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मस्तिष्क में कैसे संचालित होता है, जैसे दाएं गोलार्ध में स्थित मोटर क्षेत्र शरीर के बाईं ओर की तथा बाएं गोलार्ध में स्थित मोटर क्षेत्र शरीर के दाएं ओर की ऐच्छिक मांसपेशियों को गति को नियंत्रित करता है। ये जान लीजिए, आपकी अगर आपका दायां हाथ दायां अंगों से आप काम कर रहे हैं तो आपका बायां मस्तिष्क बायां कार्टेक्स आपका काम कर रहा है, उसके लिए अगर दायां कार्टेक्स अगर बायां अंग से काम कर रहे हैं दायां कार्टेक्स काम कर रहा है उसके लिए, और बायां तरफ से काम कर रहे हैं तो दायां कार्टेक्स काम कर रहा है। फ्रंटल लोब का दूसरा क्षेत्र होता है प्री मोटर क्षेत्र, जो पेशियों की गतियों के मध्य समन्वय स्थापित करता है, जैसे कि लिखना, जूते के फीते बांधना, ठीक है। और फ्रंटल लोब का तीसरा भाग होता है ब्रोका क्षेत्र, जिसमें यह हमारे सोच को वाक यानी स्पीच में बदलता है। अगर हमारा ब्रोका क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है तो लिखने में अक्षमता हो जाती है, बोलने में अक्षमता हो जाती है जिसे वाचाघात कहते हैं, सुनने में अक्षमता हो जाती है जिसे बधिरता कहते हैं, लिखे हुए शब्दों को समझने में अक्षम हो जाते हैं, कहे हुए शब्दों को समझने में अक्षम, एंड फ्रंटल लोब का चौथा भाग होता है भाषा क्षेत्र, जो स्पीच यानी वाक को लिखित शब्दों में यानी विचारों में बदल देता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोपड़ी के हड्डी का कौन सा भाग गतिशील होता है? विच पार्ट ऑफ द स्कल बोन इज मूवेबल? यहाँ मोबाइल लिखा गया है गलती से, मूवेबल। तो गतिशील होता है खोपड़ी का कौन सा भाग दोस्तों? तो वह होता है निचला जबड़ा। कौन सा होता है? निचला जबड़ा, जिसे आप बोल रहे हैं, बस एक ही भाग आप पूरी खोपड़ी में देखेंगे स्कल में, केवल हमारा निचला जबड़ा ही गतिशील है, उसे हम कहते हैं मैंडिबल, जो हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के उपबंधी अस्थि पंजर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो हाउ मेनी बोन आर देयर इन द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो यहाँ पे अपेंडिकुलर जो हड्डियां होती हैं, जैसे कि 102 से 6 कुल हड्डियां होती हैं मानव शरीर में, जिसको दो भागों में बांटा गया है, एक्सियल कंकाल एंड अपेंडिकुलर कंकाल। एक्सियल कंकाल यानी कि अक्षीय कंकाल, जो जिसमें 80 हड्डियां होती हैं, और अपेंडिकुलर जिसमें 126 हड्डियां होती हैं। एक्सियल कंकाल यानी 80 हड्डियां, जिसमें कि स्कल में 29 होती हैं, मेरुदंड में 33 होती हैं, पसलियों में 24 होती हैं, और एक स्टर्नम होता है। और दूसरा भाग जो होता है अपेंडिकुलर उपबंधी, उसमें 126 होती हैं, जिसको दो भागों में बांटा गया है, अपर लिंब और लोअर लिंब। अपर लिंब में हमारे दोनों हाथों में 30-30 हड्डियां पाई जाती है, और दो आपका क्लेविकल यानी हौसली हो गया, और दो आपका स्केपुला यानी 64 हड्डी, और लोअर लिंब में 62 हड्डी होती हैं। 30-30 आपका दोनों पैर में हो गया, और दो आपका हिप में हो गया यानी 62। इस प्रकार 126। इस प्रकार अपर लिंब एक्सियल कंकाल 80 और अपेंडिकुलर कंकाल 126, कुल मिलाकर के 206 हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? 126। नेक्स्ट है, किसी मानव अस्थि पंजर में निम्नलिखित में से किस जोड़ को थोड़ा जोड़ कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको ये ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो थोड़ा चल जोड़, किसी मानव अस्थि पंजर में निम्न में से किस जोड़ को थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है? Which of the following joints in a human skeletal is called a singly movable joint? तो थोड़ा चल संधि किसे कहा जाता है? जैसे कि आप जानते हैं कि जहां पे दो हड्डियां
एक दूसरे से मिलती हैं, उसे संयोजी ऊतक से उसे जोड़ कहा जाता है। वहाँ पे वह उपास्थि का बना होता है और लिगामेंट के द्वारा जुड़ा रहता है, उसे संधि या जोड़ कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, चल संधि, अचल संधि, अर्धचल संधि। चल संधि को डायर्थ्रोसिस, जैसे कि हमने आपको एक सूत्र बताया था डी ए एस, डायर के नीचे लिख लिए चल, ए के नीचे लिख लिए अर्धचल और एस के नीचे लिख लीजिए अचल, ठीक है। यानी डायर्थ्रोसिस का मतलब होता है चल संधि, डायर्थ्रोसिस का मतलब होता है चल संधि को डायर्थ्रोसिस भी कहते हैं और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट भी कहते हैं। ए मतलब एम्फियार्थ्रोसिस, अर्ध चल संधि यानी जिसमें थोड़ा थोड़ा गति होता है, इसे हम सिंपली मूवेबल ज्वाइंट, कार्टिलेजियस ज्वाइंट, एम्फियार्थ्रोसिस ज्वाइंट कहते हैं। यस से होता है साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट, यानी कि जिसे हम फिक्स ज्वाइंट, फाइबर ज्वाइंट्स, इम्यूवेबल ज्वाइंट यानी अचल संधि कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा चल संधि यानी कि सिग्ली मूवेबल ज्वाइंट, थोड़ा चल संधि यानी कि अर्धचल संधि की बात कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं एम्फियार्थ्रोसिस। क्या कहते हैं दोस्तों, एम्फियार्थ्रोसिस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मानव अस्थि पंजर के घुटने, हाथ और पांव में पाई जाने वाली अस्थियां कहलाती हैं। ह्यूमन बोन, व्हाट आर द बोन फाउंड इन द नीज, हैंड्स एंड फुट ऑफ द रिबैक, रिकेज कॉल्ड। यहाँ पे दोस्तों घुटना शब्द आ गया है, तो पटेला जो है जहाँ पे घुटना शब्द आ जाए वो सीसम वाइड बोन होगा, यानी कि घुटने जोड़ों के आसपास जो पाया जाता है, यानी कि इस प्रकार के अस्थियाँ टेंडन्स में विकसित होती हैं और किसी संधि के ऊपर, जोड़ के ऊपर से गुजरने वाली हड्डी होती है। ये अस्थियाँ घुटने, हाथ या पैर में पाई जाती है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट, सीसम वाइड बोन यानी कि कंडरास्थियां, क्या हो जाएगा कंडरास्थियां, सीसामोइड बोन को हम कंडरास्थियां भी बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में हड्डियों को किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आर द बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी क्लासिफाइड। तो आकार और आकृति के आधार पर, किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, आकार, साइज एंड शेप के आधार पर पांच भागों में, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सिसमोइड बोन, जिसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, कैल्शियम की आवश्यकता शरीर में इस कारण होती है, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन द बॉडी ड्यू टू, किस कारण से होती है, तो कैल्शियम की आवश्यकता हड्डियों दांतों को मजबूत करने हेतु उपयोग किया जाता है, टू स्ट्रेंथन बोन्स एंड टीथ। तो ये जो कैल्शियम होता है, यह इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस आदि रोग हो जाते हैं। दोस्तों यह दूध, पनीर, संतरों, अंडों, हरी पत्तेदार सब्जियों, अनाज में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशीय कार्य में ऊर्जा प्रदान करने वाले तीन मूल खाद्य पदार्थ कौन है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, व्हाट आर द थ्री बेसिस फूड्स द इम्प्रूव एनर्जी फॉर मस्क्यूलर वर्क। तो यहाँ पे कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है, एक ऊर्जा प्रदान करने वाले, एक निर्माण करने वाले, एक रक्षा करने वाले। ऊर्जा प्रदान करने वाले में कार्बोहाइड्रेट, वसा होता है, एंड शरीर का निर्माण करने वाले में प्रोटीन है,
और रक्षा करने वाले में विटामिन एंड मिनरल्स है, खनिज लवण है। तो यहाँ पे तीन बोला है, तो आप जैसे कि जब हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा लेते हैं, तो जब हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तो वसा ऊर्जा देने लगता है। जब वसा भी खत्म हो जाता है तो प्रोटीन एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार तीन मूल खाद्य पदार्थ हैं आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड वसा। तो यहाँ पे राइट कौन हो जाएगा, ए सी एंड ई। ए सी ई कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड वसा एंड विटामिन खनिज लवण जो होते हैं वो शरीर की रक्षा करते हैं रोगों से। ठीक है, नेक्स्ट है स्पाइनोग्राफ कौन सी विकृति को मापने का यंत्र है। स्पाइनोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग विच स्ट्रेन, ये होता है स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस को मापने का यंत्र है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पोस्टर डिफॉर्मिटी से क्वेश्चंस आता ही आता है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। स्कोलियोसिस होता क्या है, मेरुदंड की पार्श्व कुब्जता यानी कि लेटरल डेविएशन ऑफ स्पाइन होता है, जिसमें से आपका शोल्डर एक तरफ और हिप दूसरी तरफ झुक जाता है। और ये दो प्रकार का होता है, यश टाइप एंड सी टाइप। सी मतलब सिंगल स्कोलियोसिस, यस मतलब डबल स्कोलियोसिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमस्ट्रिंग मांसपेशी का प्रयोग होता है, तो यह हमारे पिछले जांघ में पाई जाती है और तीन पेशियों से मिलकर बना होता है, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडेनियस। इन तीन पेशियों से मिलकर बना होता है हेमस्ट्रिंग मसल, जो हमारे घुटने को फ्लेक्शन यानी कि मोड़ने में काम आता है। तो क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, घुटने को मोड़ने में हेमस्ट्रिंग मसल्स किस कार्य में होता है उपयोग, इसको मदरा सीरा मसल्स भी कहते हैं हिंदी में। तो ये नी फ्लेक्शन में प्रयोग होता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपटी पीठ का संबंध शरीर के किस भाग से है, यानी कि फ्लैट बैक इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो चपटी पीठ दोस्तों, स्कोलियोसिस जो मेरुदंड क्षेत्र की विकृति है जिसमें कंधा एक तरफ और तथा कमर दूसरी तरफ झुक जाता है, इसे फ्लैट बैक भी कहा जाता है। इस विकृति से संबंधित व्यक्ति को स्पाइनोग्राफ पर खड़ा करके देखा जाता है। तो याद रखिएगा, स्कोलियोसिस को फ्लैट बैक भी बोला जाता है। तो यह हमारे लंबर भाग में आपका राइट हो जाएगा, यानी कि कमर के भाग में आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कैल्शियम फास्फोरस मुख्यतः सहायक होते हैं। कैल्शियम एंड फास्फोरस आज आर मेनली हेल्पफुल होता है आपके लिए, किसके लिए, इन बोन फॉर्मेशन यानी कि हड्डी निर्माण में। एंड नेक्स्ट है, अस्थियों के कार्य हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बोन। तो क्या कार्य है दोस्तों अस्थियों के, तो ये हमारे अंदर की जितनी भी कोमल अंगे हैं सभी को ढक के एक सुरक्षा कवच के रूप में बना के रखा हुआ है, तो यह सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटने की संधि निम्नलिखित हड्डियों से बनती है। तो नी ज्वाइंट इज फॉर्मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बोन, तो जैसे कि अंगूठे की तरफ से जाता है घुटने तक, टीबिया पैर की उंगली की तरफ से जाता है छोटी उंगली की तरफ से, फिबुला घुटने तक। ठीक है, तो टीबिया फिबुला और उधर से फीमर हड्डी आती है, तीनों यहाँ पे आके जुड़ती है जहाँ पे पटेला होता है, तो घुटने की हड्डी बनती है, संधि बनता है। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फीमर फिबुला एंड टीबिया, फीमर फिबुला एंड टीबिया आपका राइट होगा। एंड फीमर जो है हमारे शरीर की सबसे लंबी और भारी अस्थि होती है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं हाथ की हड्डी की ऑसिफिकेशन की तकनीक का उपयोग किस
को निश्चय करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों द टेक्निक ऑफ ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन ऑफ द राइट हैंड इन इज यूज टू डिटरमाइन, तो दाएं हाथ की जो ऑसिफिकेशन की तकनीक है वो आयु ज्ञात करने के लिए, एज ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मानव शरीर रचना आयु ज्ञात करने के लिए, एनाटॉमिकल एज ज्ञात करने के लिए हड्डियों दांतों को गणना करके ज्ञात किया जाता है। जैसे कि हमारे दाहिने हाथ की जो रेडियल बोन होती है उसका प्रयोग किया जाता है, इससे हड्डी की आयु ज्ञात की जाती है, इसलिए इसे एक्सरे एज के नाम से भी जाना जाता है। दाएं हाथ की रेडियल बोन को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वही क्वेश्चन है कि दाहिने हाथ के अस्थि के अस्थिकरण तकनीक का उपयोग किसके निर्धारण में होता है, तो उम्र यानी कि एज याद करने के लिए होता है। तो दोस्तों ये था आज के लिए 20 क्वेश्चन, ये आपका कंकाल तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन समाप्त होता है। कुछ जो अलग से कंकाल तंत्र के क्वेश्चंस 2000 पूछे जाते हैं, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है अस्थि निर्माण की प्रक्रिया को ऑस्टियोब्लास्ट बोला जाता है, अस्थि के विघटन की प्रक्रिया को ऑस्टियोक्लास्ट बोला जाता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन एक न एक पूछ लिया जाता है, केवीएस में भी पूछा था, एमपी टेट में भी पूछा था, एक कार्टिलेज के बारे में आपका पूछा था, तो उसी बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो दोस्तों इसी तरह आप डेली बेसिस से मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और अपना सेल्फ ही स्टडी करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर ऊपर से नहीं पूछेगा, आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।